हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पाइथन कोड को लिखने के लिए हमें किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जिसमें हम कोडिंग लिखेंगे और उसको रन करा सकते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं कोई भी आईडीई, आप यहां पर यूज कर सकते हैं। आईडीई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां पर आप अपना कोड लिख सकते हैं, रन करा सकते हैं और अपना कोड डीबग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो आईडीई डाउनलोड करने वाला हूँ, अपनी मशीन पर इंस्टॉल करने वाला हूँ, वो है हमारा पाईचार। उसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर सिंपली आप गूगल में टाइप करेंगे पाईचार्म डाउनलोड, यहां पर आप क्लिक कर देंगे। जब इसको सर्च करेंगे गूगल में तो यहां पर आपको पहली साइट निकल के आएगी, जो कि है हमारी जेटब्रेन्स की। इसकी ऑफिशियल साइट है पाईचार्म, आपका क्या है जेटब्रेन्स का ही है। तो इस पर आप यहां पर क्लिक कर देंगे। यहां पर आप देखेंगे पाईचार्म के दो यहां पर वर्जन है, एक है हमारा प्रोफेशनल वर्जन, एक है हमारा कम्युनिटी वर्जन। प्रोफेशनल वर्जन में आपको सब चीज मिलेगी, साइंटिफिक के लिए, आपका वेब डेवलपमेंट के लिए, HTML, JS, SQL सबको यहां पर सपोर्ट करता है। कुछ दिन के लिए आपको फ्री ट्रायल मिलेगा, बट आपको कुछ पे करना होगा। अगर आप चाहते हैं तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी वर्जन आप यहाँ पर डाउनलोड करिए। यहाँ पर आप अपने सीखने के लिए यहाँ पर कोड डेवलप कर सकते हैं, ये ओपन सोर्स है और फ्री है यहाँ पर। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किस मशीन पर करना है। अगर विंडोज को करना है तो यहाँ पर विंडोज पे पहले से ही है, अगर मैकबुक पर करना है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर लिनक्स पे करना है तो यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं कम्युनिटी वर्जन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये बोल रहा थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग पाईचार्म, योर डाउनलोड स्टार्ट शॉर्टली। अगर डाउनलोड नहीं होता तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे लोकेशन पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे इसको कर लेते हैं क्लिक, सेव पर करता हूँ क्लिक। यहाँ पर मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं आपको पॉज कर देता हूँ। 295 MB का ये आपको यहाँ पर एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगा। एक्सटेंशन डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये एक्सटेंशन है, ये इस पर डबल क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर दे रहा है वेरीफाइंग इंस्टॉलर, कुछ परमिशंस मांगेगा, उसको अलाउ कर देना है। यस, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको चूज करना होगा किस लोकेशन पर आपको इसको इंस्टॉल करना है। बाय डिफॉल्ट जो ले रहा है मैं उसको यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। नेक्स्ट, आपका ये खुल के आ जाएगा नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद। अगर आपको शॉर्टकट क्रिएट करना है डेस्कटॉप पर तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका इंस्टॉल होने लगेगा। लेट्स वेट फॉर सम टाइम, वीडियो पूरा देखना है क्योंकि इसमें जो हमारा इंटरप्रेटर है वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अभी हमें, तो देखना वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इसमें। ठीक है, वीडियो पूरा देखना है अभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका सेटअप इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद आप यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करके फिनिश पर क्लिक कर देना है, तो इससे आपका क्या है पाईचार्म ओपन होने लगेगा। तो यहाँ पर हमारा पाईचार्म ओपन होने लगा है, आप देख सकते हैं। ओपन होने के बाद यहाँ पर लिखा है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, उस पर आपको ऊपर नाम देना है अपने प्रोजेक्ट का। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ अनटाइटल, इसको हटाकर कोई भी नाम दे देते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि मैं नाम दे रहा हूँ YYT प्रोजेक्ट। नाम देने के बाद आप यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी नाम दिया था, जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया था, वो आपका यहाँ पर ओपन होने लगेगा पाईचार्म में। ओपन होने के बाद आपको राइट क्लिक करना है अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पे। यहाँ पर आपको दो चीज़ देखेंगे, ऊपर फाइल है और नीचे लिखा हुआ है पाइथन फाइल। तो आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, तो पहले मैं बताता हूँ फाइल पर जाकर कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको नेम देना कोई फाइल पर, फाइल का, जैसे मैं यहाँ देता हूँ Python QA। एंटर जैसे ही आप प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद आपसे पूछेगा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करने की, तो यहाँ पर हमको पाइथन सेलेक्ट करना है। पाइथन सेलेक्ट करने के बाद आप ओके पर क्लिक कर दें, या फिर आप राइट क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट नेम पर न्यू पर क्लिक करने के बाद सीधा पाइथन फाइल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ केवल आपको नेम देना है। जैसे मैं नाम देता हूँ Practice 1 और नीचे पाइथन फाइल सिलेक्ट है ऑलरेडी, तो आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फाइल क्रिएट होगी। अब आप यहाँ पर कोई भी कोड लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट। प्रिंट एक यहाँ पर फंक्शन होता है, यहाँ पर आप कोड लिख सकते हैं। लेकिन आप ऊपर देखेंगे, ऊपर लिखा हुआ नो पाइथन इंटरप्रेटर कन्फ्यूगर, तो आपको यहाँ पर पाइथन के लिए इंटरप्रेटर कन्फिगर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको कोई भी इंटरप्रेटर चाहिए, तो आप गूगल ओपन करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे पाइथन डाउनलोड। जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास जो पेज खुलकर आएगा उसमें जो आपको फर्स्ट साइट दिखेगी डाउनलोड पाइथन, ये ऑफिशियल साइट है पाइथन की, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने पेज खुलकर आएगा। आप देख सकते हैं आप लिखा है येल्लो उसमें कलर में डाउनलोड पाइथन 3.8 न्यू वर्जन है अभी पाइथन का, जो कि 14 अक्टूबर 2019 को यहाँ पर ये रिलीज़ हुआ था।
तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर येलो कलर वाले में जो लिखा है डाउनलोड पाइथन, यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको डेस्कटॉप पर डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड होने के बाद आप इसको ओपन करेंगे, डबल क्लिक करके यहाँ पर हमको अपना सेटअप इंस्टॉल करना है। ये आपका पाइथन इंटरप्रेटर, यहाँ पर इंस्टॉल नाउ को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे, आपका पाइथन का इंटरप्रेटर यहाँ पर इंस्टॉल होने लगेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो सेटअप है पाइथन 3.8 का सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद आप यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा अपना पाइचार्म पर जाएंगे, पहले जो पहले खुला था उसको यहाँ पर क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद अपने पाइचार्म को दोबारा से ओपन करेंगे। तो ऊपर जहाँ पर लिखा है कॉन्फ़िगर पाइथन इंटरप्रेटर, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन शो होने लगा पाइथन 3.8। ये वही है जो अभी आपने इंस्टॉल किया था इंटरप्रेटर। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं सर्चिंग इंडेक्स, ये लिखा आ रहा है। यहाँ पर आपका जो इंटरप्रेटर है उसको सर्च कर रहा है। यहाँ पर जैसे ये पाथ फाइंड कर लेगा, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्फिगर होने लगा है। तो जब ये ब्लू लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो आपका पाइथन का जो इंटरप्रेटर वो सक्सेसफुली कन्फिगर हो जाएगा हमारा पाईचार्म पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा कन्फिगर हो गया। ऊपर जो हमारा एरर मैसेज दे रहा था, जो मैसेज शो हो रहा था कन्फिगर पाइथन इंटरप्रेटर के लिए, वो भी यहाँ पर हट गया है। तो अब यहाँ पर जो भी हम कोड लिखेंगे उसको यहाँ पर रन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है पाइथन के सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पे आप जाकर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपकी वहाँ पर पूरी हेल्प करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।